नमस्कार सभ्य कहानियाँ चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम आपको सुनाएंगे रानी पद्मिनी की कहानी का भाग दो। पहला भाग देखने के लिए ऊपर दिए लिंक पर क्लिक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज राजकुमार ने पद्मिनी के जिस रूप की झांकी पाई थी वो तो अलौकिक था। उसकी आंखें चौंधिया रही थी। आज एक नई कल्पना ने उसके मन मस्तिष्क को झकझोर डाला था। वो सोच रहा था कि कुछ ही समय में वो उसे वहां से ले जाएगा। तब उसके अनुपम सौंदर्य के भार को वह कैसे वहन कर पाएगा? वो राजकुमार है, इतने बड़े राज्य के राजा का पुत्र है, किंतु कहां राजगढ़ का राज्य और कहां सिंघल द्वीप की इस अपूर्व सुंदरी का वैभव। दोनों में जमीन आसमान का अंतर था, पर उठा कदम अब वापस तो नहीं लिया जा सकता था। विचारों के अथाह सागर में डूबता उतरता राजकुमार अपने जहाज पर आया। उसका हाल बेहाल हो रहा था। भूख प्यास नींद सब उससे रूठ गई थी। वो बिस्तर पर पड़ा रहा। उसकी हालत सन्निपात के रोगी के समान हो रही थी। वो अपने आप से ही बात कर रहा था, पर उसके शब्द अस्पष्ट थे। कभी उसकी आवाज तेज हो जाती थी, कभी मंद पड़ जाती थी। राजकुमार स्वयं हैरान था कि उसे क्या हो गया है। ये सब होते हुए भी उसने राजमहल में जाने की तैयारी की। कल की अपेक्षा आज और भी बढ़िया चीजें निकाल ली। उसे भरोसा था कि पद्मिनी उन्हें अवश्य पसंद करेगी। अगले दिन उसे अधिक प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी। जल्दी ही पद्मिनी का दूत आ गया और वो दोपहर होने से पहले ही महल में पहुंच गया। पद्मिनी इन आभूषणों को देखकर चकित रह गई। ऐसे आभूषण उसने पहले कभी नहीं देखे थे। उनमें से उसने ढेर सारे पसंद कर लिए। जब वो उन्हें लेने लगी तो उसने देखा कि वे अधूरे हैं। जोड़ीदार आभूषणों में से अधिकांश एक एक थे। पद्मिनी ने पूछा कि यह क्या है। राजकुमार ने उत्तर दिया कि अभी तो जहाज पर आभूषणों का भंडार भरा पड़ा है। मैंने सोचा कि आप जब अपनी पसंद पूरी कर लेंगी तब उनकी जोड़ियां पूरी कर दूंगा। पद्मिनी ने खींचकर कहा कि यह तुमने क्यों सोचा। राजकुमार ने कहा कि इसलिए कि मेरी इच्छा थी कि आप एक बार आभूषणों के सारे भंडार को देख लें। अगर आपको आपत्ति ना हो तो एक बार स्वयं जहाज पर जाकर पूरे भंडार को देख लें। इस सुझाव पर राजकुमारी थोड़ा सोच में पड़ी। अंत में उसने राजकुमार की बात मान ली और वह जहाज पर जाने को राजी हो गई। इसके बाद राजकुमार पद्मिनी से छुट्टी लेकर अपने जहाज पर लौट आया। नियत समय पर पद्मिनी जहाज पर आई। वहां आभूषणों का अथाह भंडार था। उन्हें देखने में पद्मिनी इतना लीन हो गई कि वे समय को ही नहीं अपने आप को भी भूल गई। काम निपटाकर जाने को हुई तो राजकुमार ने कहा, अब आप जाओगी कहाँ और कैसे? पद्मिनी चकित होकर बोली कि क्यों? राजकुमार ने कहा, क्यों क्या? देखती नहीं कि जहाज चल रहा है और हम किनारे से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी पहले तो मजाक समझी, फिर उसने देखा कि जहाज सचमुच चल रहा है। मारे गुस्से के उसका चेहरा तमतमा उठा। उत्तेजित होकर बोली कि तुमने मेरे साथ छल किया है, इसकी तुम्हें सजा मिलेगी। राजकुमार हंस पड़ा, बोला कि पद्मिनी जी, हम सिंघल द्वीप की सीमा से बहुत दूर निकल आए हैं। पद्मिनी को लेकर जहाज चल पड़ा। पद्मिनी मछली की तरह तड़पने लगी। उसके चेहरे का रंग फीका पड़ गया था। राजकुमार ने कहा कि घबराओ नहीं, मैं राजगढ़ का राजकुमार हूँ। इसके बाद उसने पद्मिनी को शुरू से लेकर आखिर तक की सारी कहानी सुनाई। फिर बोला, तुम्हें पाने के लिए
मुझे बड़े पापड़ बेलने पड़े हैं। उस कहानी को सुनकर पद्मिनी का संताप काफी हद तक दूर हो गया। बोली कि इसके लिए इतना कपट करने की क्या जरूरत थी। राजकुमार ने पूछा कि यदि कपट नहीं किया होता तो क्या तुम राजी से आ जाती। पद्मिनी ने इसका उत्तर नहीं दिया। जो होना था वो हो चुका था। अब उसके सामने बचने का कोई रास्ता नहीं था। भाग्य के साथ समझौता करने के अलावा अब और क्या हो सकता था। आहत हिरनी की तरह वो राजकुमार के पास आ बैठी। जहाज तेजी से आगे बढ़ रहा था। पद्मिनी आवेश और आवेग से थककर चूर हो गई थी। उसे सूझ नहीं रहा था कि वो क्या करे। मन उसका इतना अस्थिर हो रहा था कि एकाग्र भाव से कुछ सोच भी नहीं पा रही थी। इतने में जहाज बड़े जोर से इधर उधर होने लगा। पद्मिनी ने भयभीत होकर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है। समुद्री तूफान आ गया है, थोड़ी देर में शांत हो जाएगा। तूफान का वेग बढ़ता गया। बड़ी बड़ी लहरें उठकर जहाज से टकराने लगी। जहाज डगमगाने लगा। खतरे की आशंका से वो राजकुमार से लिपट गई। राजकुमार ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई और उसे भरोसा दिया कि उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। फिर हंसकर राजकुमार बोला, अब तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी रक्षा की जिम्मेदारी अब तुम्हारी नहीं, मेरी है। राजकुमार उसे दुलारते रहा। तूफान का वेग धीरे धीरे शांत होता गया। पद्मिनी तनमन से बेहद थक गई थी, सो गई, पर राजकुमार की आंख नहीं लगी। अचानक उसे बड़ा धीमा स्वर सुनाई दिया। राजकुमार ने विस्मित होकर इधर उधर देखा। जहाज पर उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। फिर वो स्वर किसका था? पता चला कि एक तोता और एक मैना आपस में बातें कर रहे हैं। अपनी आदत के अनुसार तोते ने मैना से कुछ कहने को कहा और मैना ने वही बात दोहराई कि वह आप बीती कहे या पर बीती। तोता बोला, कुछ आप बीती कहो, कुछ पर बीती। मैना ने कहा कि कल मेरी जान बाल बाल बची। तोते ने व्यग्र होकर पूछा कि क्या हुआ। मैना बोली कि क्या कहूँ, जमाना बड़ा खराब हो गया है। आदमी ने हमारा जीना हराम कर दिया है। हम उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ते, फिर भी वो हमारी जान लेने पर तुला रहता है। कल मैं एक पेड़ पर बैठी थी कि किसी आदमी ने मुझ पर जानलेवा हमला किया। बैतूल पेड़ के पत्तों और टहनियों ने मुझे बचा लिया, नहीं तो जान जाने में कुछ कसर नहीं रही थी। तोते के मुंह से एक दीर्घ निश्वास छूटा, फिर फुसफुसाया कि जाको राखे साइया, मार सके न कोय। मैना ने कातर होकर कहा कि मर भी जाते तो क्या, अब मेरे लिए रोने वाला कौन है। बच्चे बड़े होकर जाने कहां चले गए, अकेली जान रह गई है। मैना सिसकने लगी। तोते ने कहा कि मैना इतना दुखी क्यों होती हो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। फिर कुछ चुप रहकर बोला कि अब कुछ पर भी कहो। मैना ने कहा कि क्या कहूँ, चारों तरफ दुख है। इस जहाज पर दो बड़े प्यारे लोग हैं, लेकिन हाय। मैना एकदम खामोश हो गई। फिर उसने कहा कि इनकी सांसें गिनी चुनी हैं। बेचारा तोता व्यथित हो उठा, बोला कि रुक रुक कर क्यों बोलती हो, साफ साफ कहो कि इन्हें क्या होने वाला है। मैना ने कहा कि सवेरे ये जहाज किनारे लग जाएगा, जहां वजीर का लड़का मिल जाएगा। उसने इन दोनों के ठहरने की व्यवस्था एक घर में की है। इनके ठहरने के कुछ ही देर बाद घर ढह जाएगा, दोनों उसमें दब जाएंगे। तोते ने व्यथित होकर कहा कि मैना, ये तो बड़ा बुरा होगा। अभी इन बेचारों ने दुनिया में देखा ही क्या है, क्या इनके बचने का कोई उपाय नहीं है। मैना बोली कि उपाय ये है कि ये वजीर के लड़के की बात न माने और उस घर में ना ठहरे। अगर कोई सुनता हो तो गांठ बांध ले कि अगर ये
उस घर में ठहरे तो इनके प्राण किसी भी हालत में नहीं बचेंगे। तोते ने पूछा कि उसके बाद तो खैरियत है ना? मैना ने कहा कि कहावत है कि मुसीबत कभी अकेली नहीं आती। इनकी मुसीबत यही खत्म नहीं हो जाती। ये जहाँ ठहरेंगे वहाँ भी एक मुसीबत इनका पीछा कर रही है। तोते ने अधीर होकर पूछा कि वे कौन सी मुसीबत है। मैना बोली कि सवेरे उठकर राजकुमारी जैसे ही अपने जूते में पैर डालेगी तभी उसमें बैठा सांप उसे काट लेगा। तोते के मुंह से निकला हे भगवान। उसने आहत होकर पूछा कि क्या उसे बचने का कोई समाधान नहीं है। मैना बोली कि समाधान तो सब चीजों का होता है। यदि कोई सुनता हो तो वो राजकुमारी से पहले उठे और सांप को मारकर निकाल ले। अब तोते ने पूछा कि वहां से बचने के बाद तो फिर कोई बाधा नहीं है। मैना ने उत्तर दिया कि इसके बाद एक बाधा और है। ये सुनकर तोता बोला कि हे भगवान, अभी भी बाधा है वो भी बता दो। इसके बाद मैना ने बोलना शुरू किया कि ये दोनों एक उड़न खटोले में बैठेंगे। वो उड़न खटोला ऊपर जाकर खराब हो जाएगा और नीचे आ गिरेगा। उसमें ये दोनों मर जाएंगे। अब तोता बहुत दुखी होकर बोला कि तुम्हारी ये बातें सुन सुनकर मेरा दिल बैठा जा रहा है। जल्दी से बताओ कि इस आफत से बचने का कोई मार्ग है। मैना ने कहा कि अगर कोई सुनता हो तो वो इन्हें उड़न खटोले में न बैठने दे। इन सब बाधाओं से पार जाने पर इनकी जिंदगी में आनंद ही आनंद है। तोते ने चैन की सांस ली। राजकुमार मैना की एक एक बात बड़े ध्यान से सुन रहा था। अपने ऊपर आने वाली आपदाओं से वो सिहर उठा और बचने के उपाय जानकर उसे खुशी हुई। उसने मन ही मन मैना का उपकार किया। सवेरा होने में अब देर नहीं थी। दोनों पक्षी उड़ गए। किनारा भी तो अब दूर नहीं था। जब जहाज किनारे आकर लगा तो राजकुमार ने देखा कि वजीर का लड़का वहां उपस्थित था। राजकुमार ने पद्मिनी से उसका परिचय कराते हुए कहा कि यह मेरा साथी है। सागर की यात्रा आरंभ करने तक मेरे सुख दुख में इसने बराबर मेरा साथ दिया। वजीर का लड़का पद्मिनी को देखकर गदगद हो गया। उस दिन वहीं रहने के लिए उसने एक भवन की व्यवस्था कर रखी थी। वहां पहुंचने पर राजकुमार को मैना की बात याद आ गई। राजकुमार ने कहा कि हमें जहां नहीं ठहरना, कोई और भवन देखो। वजीर के लड़के ने कहा कि आपके आने से पहले मैं जहां के सारे भवन देख चुका हूं, ये सबसे अच्छा है। राजकुमार ने उसकी एक न सुनी। वजीर के लड़के ने दूसरे भवन की खोज की। दूसरा भवन उस भवन के पास ही मिल गया। वे लोग उसमें ठहर गए। बड़ी देर तक राजकुमार उसे अपनी कहानी सुनाता रहा। फिर वे सो गए। आधी रात के बाद जोर की गड़गड़ाहट हुई। वजीर का लड़का उठकर बाहर आया तो देखा कि पहला भवन गिरकर मिट्टी में मिल गया है। उसने राजकुमार की दूरंदेशी की भूरी भूरी प्रशंसा की। पद्मिनी तो सो गई लेकिन राजकुमार रात भर तारे गिनता रहा। भोर होने से पहले देखता क्या है कि एक काला विषैला सांप आया और कुंडली मारकर पद्मिनी के जूते में बैठ गया। राजकुमार तो चिंतित होकर उस घड़ी की प्रतीक्षा कर ही रहा था। उसने तलवार निकालकर जूते में बैठे सांप के दो टुकड़े कर डाले और बाहर फेंक कर पद्मिनी के उठने की राह देखने लगा। थोड़ी देर में पद्मिनी उठी। उसकी थकान दूर हो गई थी और उसके चेहरे की कांति लौट आई थी। उसने मुस्करा कर राजकुमार की ओर देखा। राजकुमार भी मुस्करा कर उसके पास गया और कुछ देर तक उसके मुलायम बालों को सहलाता रहा। पद्मिनी मन ही मन विभोर हो रही थी। क्यों उसे अपने जीवन साथी के रूप में एक ऐसा सुंदर और पराक्रमी व्यक्ति मिल गया। वजीर के लड़के ने आगे की यात्रा उड़न खटोले से करने का विचार किया और एक उड़न खटोला मंगवाया भी लिया, लेकिन राजकुमार ने
उसमें बैठने से साफ इनकार कर दिया। वजीर के लड़के को बड़ा बुरा लगा, पर राजकुमार के आगे उसकी एक न चली। वे घोड़ों पर सवार होकर ही आगे बढ़े। उड़न खटोले में कुछ और लोग बैठ गए, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उड़न खटोला धड़ाम से नीचे आ गिरा और उसमें बैठे सब लोगों की जाने चली गई। राजकुमार ने अनुभव किया कि मैना की भविष्यवाणी कितनी सच थी। मार्ग में मनमोहक दृश्यों को देखते हुए लोग आगे बढ़ते गए। अपने द्वीप से पद्मिनी कभी बाहर नहीं गई थी, अब लंबी चौड़ी दुनिया उसके सामने थी। तरह तरह के लोग थे, तरह तरह की उनकी पोशाकें थी, तरह तरह के उनके आचार विचार थे। राजकुमार ने कहा कि पद्मिनी, अब हम एक ऐसे बाबा के आश्रम में चल रहे हैं जिनके हृदय में प्रेम का दरिया बहता है। जो भी उनके पास जाता है वे उसका मन जीत लेते हैं। जिस खड़ाओं को पहनकर मैंने सागर पार किया था वे उन्होंने ही दिए थे। पद्मिनी आश्चर्य कर रही थी कि आखिर राजकुमार ने उस विशाल सागर को कैसे पार किया। अब उसका भेद खुल गया। पद्मिनी ने कहा कि राजकुमार, ये संत लोग मोह माया से परे होते हैं, लेकिन कोई कोई संत ऐसे भी होते हैं जो लोगों के दुख दर्द को अपने ऊपर ले लेते हैं। कहते कहते पद्मिनी के भीतर जैसे करुणा का स्रोत फूट पड़ा। उसने उसकी वाणी को अवरुद्ध कर दिया। बाबा का आश्रम अब कुछ दूरी पर था। राजकुमार ने कहा कि हमें देर भले ही हो जाए पर हम रुकेंगे। बाबा के आश्रम में ही रास्ता काटने के लिए राजकुमार पद्मिनी को अच्छे अच्छे किस्से सुनाता रहा। वो उन्हें ध्यान से सुनती रही। अंत में आसमान जब टिमटिमाते तारों से जगमगा उठा, उस समय वे आश्रम में पहुंच गए। बाबा कई दिन से उनकी राह देख रहे थे। इतनी देर कैसे हो गई, ये सोचकर उनका मन व्याकुल हो उठता था। राजकुमार को पद्मिनी के साथ देखकर उनका हृदय हर्ष से पुलकित हो उठा। उन्होंने बड़ी ममता से उनका स्वागत किया और आश्रम के सर्वोत्कृष्ट कक्ष में उन्हें ठहराया। उस कक्ष में कोई दीवार नहीं थी। हरी भरी बल्लियों ने एक दूसरे से लिपटकर उस कक्ष का निर्माण किया था। पद्मिनी उस कक्ष को देखकर रोमांचित हो उठी। बाबा ने बड़े प्यार से कहा कि तुम लोग बड़ा सफर करके आए हो, थक गए होंगे, कुछ खा पी लो और आराम से सो जाओ। रात बढ़ती जा रही थी, अंधकार गाढ़ा हो रहा था। उस घने अंधेरे में भी आश्रम की आत्मा अपनी माधुरी बिखेर रही थी। आश्रम के अंतवासियों ने अपने शाही मेहमानों के लिए नाना प्रकार के व्यंजन तैयार कर दिए थे। बड़े उल्लास के वातावरण में मेहमानों ने आश्रम का प्रसाद पाया। प्रत्येक वस्तु इतनी स्वादिष्ट थी कि राजकुमार और पद्मिनी ने अनुभव किया कि मानो वो किसी देवलोक में आ गए हों। बाबा बराबर उनके साथ रहे और उन्हें पुलकित देखकर स्वयं आनंद विभोर होते रहे। पद्मिनी ने कहा कि मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि जहां जंगल में इस प्रकार मंगल होगा, पर संतों की महिमा कौन जानता है। ये सुनकर बाबा से चुप नहीं रहा गया। बोले कि पद्मिनी, आनंद भीतर की चीज है। जब आदमी का अंतर प्रमुदित होता है तो बाहर सब कुछ हरा भरा दिखाई देता है। पद्मिनी ने सिर हिलाकर बाबा के कथन को स्वीकृति दी। प्रसाद ग्रहण करने के बाद सब सो गए। बाबा ब्रह्म मुहूर्त में उठ गए। उन्होंने आश्रम का एक चक्कर लगाया, गौशाला में जाकर गायों को प्यार किया। तब तक राजकुमार और पद्मिनी उठकर वहां आ गए। बाबा ने हंसकर कहा कि पद्मिनी, तुम इस आश्रम में एक भी बूढ़ा पेड़ नहीं पाओगी। और देखो, जब हम गायों को पुचकारते हैं, उनकी पीठ पर हाथ फेरते हैं तो उनके थनों से दूध की धारा बहने लगती है। पेड़, पौधे और पशु पक्षी भी प्यार के भूखे होते हैं। पद्मिनी ने आश्रम में निगाह डाली तो सचमुच उसे एक भी बूढ़ा पेड़ दिखाई नहीं दिया। और बाबा ने जब गायों को दूधाया और उनकी पीठ पर हाथ फिराया तो उनके थनों से दूध की धाराएं बहने लगी। पद्मिनी चकित रह गई। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था।
आश्रम में मेहमान एक दिन रहना चाहते थे। बाबा के प्रेम ने उन्हें 4 दिन रोक लिया। वहाँ के वातावरण में पद्मिनी का मन इतना रम गया कि जब विदा होने का समय आया तो वह रोने लगी। बाबा का दिल भी भर आया। उन्होंने कहा कि पद्मिनी, आश्रम तुम्हारा है, जब जी में आए फिर आ जाना। राजकुमार ने बाबा को खड़ाऊं लौटा दिए और उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ चला। राजगढ़ अभी बहुत दूर था। बाबा के आश्रम से निकलते ही अचानक राजकुमार को उस राजकन्या का ध्यान आया जिसे उसने वृक्ष की जड़ से रोग मुक्त किया था। राजा ने उससे आग्रह किया था कि वह उनकी घोषणा के अनुसार पुत्री का वरण करे और उनका आधा राज्य ले ले। राजकुमार ने अपने घोड़े को उसी नगर की ओर मोड़ दिया और कुछ ही समय में राजकुमार और पद्मिनी उस नगर में पहुंच गए। राजा राजकुमार के आगमन से बहुत आनंदित हुए और जब उन्होंने पद्मिनी को देखा तो उनका हृदय गदगद हो गया। उन्होंने राजकुमार और पद्मिनी का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। राजा ने राजकुमार से राजकुमारी को साथ ले जाने का अनुरोध किया तो राजकुमार ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन जब राजा ने अपना आधा राज्य देने का प्रस्ताव किया तो राजकुमार ने उसे लेने में असमर्थता प्रकट की। राजकुमार ने एक दिन वहां ठहर कर राजा का आतिथ्य स्वीकार किया और अगले दिन पद्मिनी और राजकुमारी को साथ लेकर राजगढ़ की ओर रवाना हो गया। उनका अगला पड़ाव अब भभूत वाले बाबा के यहाँ था। मेहमानों का काफिला अब उसी ओर बढ़ रहा था। आकाश निर्मल था, पक्षी कलरव कर रहे थे, सबके मन उमंग से भरे थे। उन्हें राजगढ़ पहुँचने की जल्दी थी पर मार्ग के अनुपम दृश्य उनके पैरों में जंजीर डाल रहे थे। पद्मिनी ने प्रकृति की उस छटा का जी भरकर पान करते हुए राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। बोली, राजकुमार, आदमी अगर इतना ऊंचा उठ जाए, इतना निर्मल हो जाए तो धरती पर स्वर्ग उतर आए। एक अलौकिक आवाज से पद्मिनी का मुखमंडल दीप्त हो रहा था। उसे देखकर ऐसा लगता था जैसे इंद्रलोक की कोई देवांगना इस धरती पर आ गई हो। वो मुस्कुराती थी तो प्यार के धवल निर्झर बहने लगते। वो हंसती थी तो सारी वादी महकते पुष्पों से आच्छादित हो उठती। बड़े स्नेह से भीग कर राजकुमार बार बार उस कोमलांगी की ओर देखता था। उस अनमोल संपदा को पाकर वो बार बार अपने भाग्य को सराहता था। उसे लगा कि पर्वतों के उतार चढ़ाव से पद्मिनी थक जाएगी, किंतु पद्मिनी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसने भावुक होकर कहा कि पद्मिनी, तुम अब घोड़े पर बैठ जाओ, तुम्हारे पैर दर्द करने लगेंगे। पद्मिनी ने बड़े उल्लास से कहा कि क्यों तुम मुझे इस आनंद से वंचित करना चाहते हो? उसके इस उद्गार से ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर निहाल हो गए। उपत्यका मुस्कुरा उठी और घने गगनचुंबी वृक्षों की हरीतिमा और गहरी हो गई। जाते समय राजकुमार ने वो पर्वतमाला बिना इधर उधर देखे यूं ही पार कर ली थी, किंतु आज तो उसके साथ एक ऐसा प्रकाश पुंज था जिसके आलोक में भीतर बाहर कहीं भी अंधकार नहीं रह सकता था। वे लोग घोड़ों पर सवार हो गए, पर्वतों को लंघ कर फिर मैदान में आ गए। राजकुमार ने हंसकर कहा कि हम लोग भी ऐसे हैं जहां घोड़ों पर बैठना चाहिए था वहां बैठे नहीं, लेकिन जहां पैदल चल सकते थे वहां घोड़ों पर सवार हो गए हैं। पद्मिनी यह सुनकर चुप न रह सकी। पद्मिनी बोली कि राजकुमार, आदमी पैदल चलता है तो धरती को उसका खोया बेटा मिल जाता है। पहाड़ों में पैदल न चलना पहाड़ों का अपमान करना है। पद्मिनी की इस बुद्धिमत्ता से राजकुमार का रोम रोम पुलकित हो उठा। वो क्षण भर उसकी ओर देखता रह गया। बाबा का आश्रम अब दूर नहीं था। राजकुमार ने कहा कि पद्मिनी, अब हम उन बाबा के आश्रम में पहुंच रहे हैं जिन्होंने मुझे एक ऐसी चमत्कारी भी दी थी जिसे खाकर मुझे कोई नहीं देख सकता था और मैं सबको देख सकता था। फिर कुछ रुककर बोला कि उसी भभूत को मुंह में डालकर मैंने तुम्हारे सिंघल द्वीप में प्रवेश किया था।
पद्मिनी ने कहा कि तो तुम मेरे महल में भी आए होगे। राजकुमार बोला, नहीं, मैंने तुम्हारे महल को बाहर से देखा था। राजकुमारी ने थोड़ा व्यग्र होकर पूछा कि भीतर क्यों नहीं आए। राजकुमार बोला कि मैं महल में जाना चाहता था, लेकिन जाने क्या सोचकर मुझे डर लगा। फाटक बंद था, खोलने की हिम्मत नहीं हुई। नगर का एक चक्कर लगाकर लौट आया। तभी मुझे अचानक ध्यान आया कि मैं अदृश्य तो हो गया हूँ और अपने असली रूप में कैसे आऊंगा। जब मैं इसी चिंता में डूबा था कि यही बाबा सामने आ खड़े हुए। मैंने उन्हें अपनी चिंता बताई तो उन्होंने विभूति की एक डिब्बी ओर दी और कहा कि इसे खाओगे तो अपने असली रूप में आ जाओगे। ये कहकर बाबा अंतर्ध्यान हो गए। पद्मिनी यह सुनकर हंस पड़ी। बाबा का आश्रम आ गया। आश्रम से कुछ दूर वे घोड़ों से उतर गए और पैदल वहां पहुंचे। बाबा आश्रम के पौधों को पानी पिला रहे थे। राजकुमार और उसके साथ एक गोरांग महिला को देखकर समझ गए कि वही पद्मिनी है। एक दूसरी राजकुमारी और थी। बड़ी आत्मीयता से उन्होंने उनका स्वागत किया और अंदर आश्रम में ले गए। साधु संतों के प्रति पद्मिनी के मन में सदा से बड़े आदर सम्मान की भावना रही थी। वे बार बार बाबा के तेजस्वी चेहरे को देखती थी। उनके सानिध्य में सारा आश्रम बड़ा भव्य लग रहा था। पद्मिनी ने उल्लसित होकर सांस ली और अपने आसन पर बैठकर आश्रम की एक एक चीज को निहारने लगी। थोड़ी देर में बाबा के भक्तगण आ गए। वे मेहमानों को देखकर चले गए और थोड़ी देर में सुगंधित रंग बिरंगे पुष्पों की मंजूषा लाए। उन पुष्पों का उपहार पाकर मेहमान आनंद भी बोर हो उठे। बाबा ने कहा कि यही हमारी संपदा है। बाबा के इस निश्चल व्यवहार से पद्मिनी ने सिर झुकाकर बाबा के चरणों में प्रणाम किया। बोली कि बाबा, इससे अधिक मूल्यवान धन दौलत और क्या होगी। जाते समय राजकुमार ने उस आश्रम को सरसरी निगाह से देखा। आज जी भर कर देखा। पद्मिनी साथ थी। इससे उसे और भी आनंद आया। आश्रम की हर चीज से प्रेम टपक रहा था। वह एक अलौकिक संसार था। विषाद का वहां नाम नहीं था, उल्लास ही उल्लास था। राजकुमार ने कहा कि पद्मिनी ऐसे ही हमारे प्राचीन तपोवन रहे होंगे और ऐसे होंगे उनके संचालक। बाबा को देखो, लगता है उनके भीतर अमृत भरा है। पद्मिनी तो ऐसा पहले से ही अनुभव कर रही थी। वो तो मानो अमृत से भरे सरोवर में अवगाहन कर रही थी। आश्रम में वे 3 दिन रहे। उस धर्मशाला को छोड़ने का उनका मन नहीं हो रहा था, पर राजगढ़ का मार्ग बड़ी बेचैनी से उनकी बाट जोह रहा था। बाबा कुछ दूर तक उनके साथ आए और आश्रम के जलाशय पर उन्हें आशीर्वाद देकर चले गए। जाते जाते कह गए कि किसी जमाने में कण्व ऋषि ने इसी प्रकार राजा दुष्यंत को अपने आश्रम से विदाई दी थी। उनका मार्ग अभी निरापद नहीं था। कुछ रुकावटें और थी जिन्हें राजगढ़ पहुंचने से पहले पार करना था। अब आने वाली थी जादुई नगरी। राजकुमार ने चुपचाप उंगली की अंगूठी देखी। उसे अचानक विचार आया कि यह अंगूठी उसकी तो रक्षा कर लेगी, लेकिन यदि पद्मिनी के सामने कोई संकट आ गया तो क्या होगा। उसने मन को समझाया कि अब तक की सारी बाधाएं दूर होती गई हैं, तो आगे की बाधाएं उसका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। वे लोग आगे बढ़ते गए। काफी चलने पर जब बस्ती की इमारतें दिखाई देने लगी तो राजकुमार ने कहा, ये लो आ गई वो नगरी जहां मैंने एक रात बिताई थी। उसने उसे सारी बात बता दी। सुनकर पद्मिनी के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। ये देखकर राजकुमार ने कहा कि पद्मिनी, डरने की कोई बात नहीं है, तुम निश्चिंत रहो। नगरी में घुसकर वे सब जादूगरनी के घर पर गए। आज उस घर के बाहर बुढ़िया नहीं युवती मिली। राजकुमार को देखते ही दौड़कर उसके पास आ गई। उसका चेहरा खिल रहा था। बोली कि मैं कब से तुम्हारी राह देख रही थी। फिर उसने पद्मिनी की ओर देखकर कहा कि वाह, यही है पद्मिनी जी।
आओ बहन, अपने घर में आओ। दूसरी राजकुमारी का भी उसने सम्मान किया। वो उन्हें बड़े प्यार और आदर से अंदर ले गई। घर के ठाट बाट देखकर पद्मिनी का सारा भय काफूर हो गया। वहाँ डरावना कुछ नहीं था। एक आरामदेह पलंग पर उसने राजकुमार और पद्मिनी को बिठा दिया। फिर उनके लिए कुछ व्यंजन तैयार किए। सबने आनंद से खाना खाया। राजकुमार को अचंभा हो रहा था कि जब जहाँ बंदी बनकर रहा था तब ये घर कैसा था और यहाँ का वातावरण कैसा था। आज जहाँ सब कुछ बदल गया था वो महल जैसा था। भोजन करके युवती ने कहा कि आप लोग थके होंगे, रात भर विश्राम कर लो। कल बड़े तड़के हम लोग यहाँ से रवाना हो जाएंगे। राजकुमार जब उसे बाल लौटाने लगा तो उसने कहा कि अब मुझे इनसे क्या लेना देना, मेरी मनोकामना पूरी हो गई। मुझे अब और क्या चाहिए। राजकुमार ने बालों को फेंका नहीं। उन्हीं की बदौलत तो उसे इतना बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उसने बड़े आदर भाव से उन्हें एक ओर रख दिया। बड़े सवेरे उठकर युवती ने राजकुमार और पद्मिनी को जगाया। वे उठे और तैयार होकर घर के बाहर आए। युवती ने आंसू भरी आंखों से हाथ जोड़कर उस घर से अंतिम विदा ली और राजकुमार और पद्मिनी के साथ रवाना हो गई। चलते समय राजकुमार को वजीर के लड़के की याद आई, जिसने अपने प्राण मुंह में रखकर एक रात यहाँ बिताई थी। अब वह आज के खुशी के दिन को देखने के लिए वहाँ नहीं था। जहाज से उतरने के कुछ दिन बाद ही राजकुमार ने उसे राजगढ़ भेज दिया था, जिससे वहाँ उनके स्वागत की तैयारियाँ हो सके। वे सब आगे बढ़े। जादू की नगरी पीछे छूट गई। पद्मिनी और युवती के बीच बातें चल पड़ी। पद्मिनी ने पूछा कि बहन, तुम इस काम में कैसे पड़ गई? युवती ने उत्तर दिया कि यह हमारा पुश्तैनी धंधा है। कब से आरंभ हुआ मैं नहीं जानती, पर मेरी माँ ने मेरे पिता को उसी प्रकार पकड़ा था जिस प्रकार मैंने राजकुमार को पकड़ा। मेरे पिता भी धवनगढ़ के राजकुमार थे। मेरी माँ को सिद्धि प्राप्त थी। आदमी को जो चाहे वो बना दे। सबसे आसान आदमी को मक्खी बनाकर रखना था। जहाँ चिपका दी चिपकी रहती थी। मैंने अपनी माँ से वो सिद्धि प्राप्त कर ली। पद्मिनी ने गंभीर होकर कहा, अच्छा काम तो था नहीं? युवती ने इस पर क्रोध नहीं किया। सहज स्वर में बोली कि बहन, अच्छा हो या बुरा, पुश्तैनी धंधा तो चलता ही है। फिर वो थोड़ी चुप रहकर बोली कि तुम विश्वास नहीं करोगी, पर यह सच है कि मुझे भी वो काम अच्छा नहीं लगता था। रूप बदलते ही आदमी का शरीर सूख जाता था, उसका तेज मंद पड़ जाता था। जब तक वो वहाँ से निकल भागने का इरादा छोड़ नहीं देता था, हम भी अपने काम से बाज नहीं आते थे। माँ उन्हें कुत्ता बना देती थी। बेचारे दिन भर भूखते रहते थे। अगर तुम उनकी हालत देखती तो तुम्हारा कलेजा बैठ जाता। पर हम लोगों की दया ममता तो मर गई थी। मुझे खुशी है कि उस घिनौने धंधे से मेरा पिंड छूट गया। राजकुमार धीरे धीरे कोई गीत गुनगुना रहा था। पद्मिनी ध्यान से सुनने लगी। बड़े आनंद से यात्रा आगे बढ़ती रही। सूर्य के पैर भी उनके साथ चलते रहे। रास्ते में उन्हें जलाशय मिला, जिसके निर्मल जल में पक्षी किलोल कर रहे थे। दोपहर हो चुकी थी। राजकुमार ने घोड़े को रोक दिया। बोला कि आगे तो घना जंगल आएगा, हम लोग यहीं पर भोजन कर लें और थोड़ा विश्राम कर लें। एक छायाकार वृक्ष के नीचे उन्होंने डेरा डाला, भोजन किया, पर पक्षियों के प्रमोद ने उन्हें आराम नहीं करने दिया। वे आगे बढ़ चले। राजकुमार का अनुमान था कि वे दिन ढलने तक जंगल को पार कर लेंगे। कुछ ही कदम चलने पर जंगल शुरू हो गया। जाते समय वहाँ के घोर अंधियारे में हाथ को हाथ नहीं सूझता था, दम घुटता था, पर इस समय तो उनके पास प्रकाश की अद्भुत किरण थी। पद्मिनी ने ऐसा दृश्य पहले कभी नहीं देखा था, पर वो उससे भयभीत नहीं हुई। राजकुमार जिस गीत को गा रहा था
उसकी पहली दो कड़ियों को अपने कोमल स्वर से दोहराती रही। प्यार से बढ़कर जगत में और क्या है? नेह का नाता ना हो तो जिंदगी का अर्थ क्या है? अब उसे सुनने की बारी राजकुमार की थी। उसका रोम रोम पुलकित होता रहा। व्यक्ति का सबसे बड़ा बल आत्मबल होता है, वो उसमें भरपूर था। राजकुमार को याद आया कि जाते समय उन्हें इस जंगल में एक बाघ मिला था, जिसका उसके साथी ने बिजली की गति से घोड़े से कूदकर काम तमाम कर दिया था, पर उसने वो घटना जानबूझकर पद्मिनी को सुनाई नहीं। सूखे धरती पर पड़े पत्तों से जब घोड़ों की टॉप पर टकराती थी, तब ऐसा लगता था कि कोई खूंखार जानवर आया, पर उस दिन एक छोटा जानवर भी उन्हें नहीं मिला। पद्मिनी को पता था कि शेर, चीते, भेड़िये, जंगली सुअर घने वनों में बड़े आनंद से रहते हैं। उसकी इच्छा ऐसे जानवरों को देखने की थी, पर एक भी जानवर नहीं आया। पद्मिनी को बड़ी निराशा हुई। जंगल पार हुआ, दिन ढलने को था। राजकुमार को अभी अपना एक और वचन पूरा करना था। वो बाघ अधिक दूर नहीं था। वे लोग तेजी से आगे बढ़ते रहे। पद्मिनी को राजकुमार ने उस रात की दास्तान बड़े रस पूर्वक सुना दी थी। पद्मिनी का मन वहां पहुंचने को बड़ा आतुर हो रहा था। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें बाग का विशाल फाटक दिखाई देने लगा। राजकुमार ने संकेत से पद्मिनी को बता दिया कि यही वह बाग है। फाटक पहले की तरह खुला था, उनके अंदर घुसते ही बंद हो गया। पर आज राजकुमार को पिछली बार की तरह पेड़ पर छिपकर नहीं बैठना पड़ा। वे सब मजे में खड़े खड़े परियों के नजारे देखते रहे। राजकुमारी जब सिंहासन पर आसीन हुई तो राजकुमार अपने आप पद्मिनी और दोनों अन्य सुंदरियों को लेकर उसके सामने जा खड़ा हुआ। उन्हें देखकर राजकुमारी का रोम रोम हर्षित हो उठा। अब वो उसके लिए कोई अजनबी राजकुमार नहीं था, उसके जीवन का एक अंग था। राजकुमारी ने पद्मिनी को तत्काल पहचान लिया। बोली कि पद्मिनी बहन, तुम मेरे पास आ जाओ। इतना कहकर वो सिंहासन से उठी और बड़े प्यार से हाथ पकड़कर उसने उसे अपने पास बिठा लिया। इसी बीच राजकुमार ने दूसरी राजकुमारियों का परिचय करा दिया। राजकुमारी ने उनका स्वागत किया। वो बाग अब उन विशेष मेहमानों की उपस्थिति से कई गुना जगमगा उठा। राजकुमारी ने उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी। उसने राजकुमार से कहा कि मुझसे मिलने और मुझे विदा देने के लिए मेरी सखियां बहुत आतुर हैं। कल वे सब जहां इकट्ठी होंगी, परसों हम लोग जहां से प्रस्थान करेंगे। राजकुमार ने बड़ी प्रसन्नता से इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। अगले दिन उस बाग की शोभा देखते ही बनती थी। दूर पास की छोटी बड़ी सारी परियां वहां इकट्ठी हो गई। उन्हें देखकर लगता था कि इंद्रलोक धरती पर उतर आया है। सबके हृदय मंग से भरे थे। राजकुमार ने सबका मन मोह लिया था। पद्मिनी ने तो जैसे सब पर जादू कर दिया था। उसके सौंदर्य को देखकर परियों की गर्दन नीची हो गई थी। पद्मिनी उनके बीच आमोद भरी मुद्रा में घूम रही थी। उसके जीवन में अब पूरी तरह नया मोड़ आ गया था। वो रात और अगला दिन उनका बड़े आनंद से बीता। परियों की राजकुमारी का विशाल परिवार वहां जमा हो गया था। उन्होंने मेहमानों को नाना प्रकार के मूल्यवान उपहार दिए। राजकुमारी के माता पिता भी आ गए। वे जिस लोक के स्वामी थे, वहां की प्रजा भी अपनी प्यारी राजकुमारी को विदा देने उमड़ पड़ी। जिसने उस समारोह को देखा धन्य हो गया। तीसरे दिन उन्होंने वहां से विदा ली। राजकुमारी के पिता ने विदाई के समय राजकुमार को अंक में भर लिया। उनकी आंखों से कई बूंदे टपक पड़ी। अब उन लोगों ने राजगढ़ की ओर प्रस्थान किया। जब राजकुमार बजीर के लड़के के साथ वहां से चला था, तब उसका मन तरह तरह की आशंकाओं से भरा था। सिंघल द्वीप का जो चित्र उसके सामने आया था, वो किसी भी साहसी के दिल को दहला सकता था। किंतु राजकुमार तो प्रतिज्ञाबद्ध था।
उसे वहाँ जाना और पद्मिनी को प्राप्त करना था। उसने अपना हौसला बनाए रखा, फिर भी उसके मन के एक कोने में थोड़ा डर छिपा था। वो वहाँ कैसे पहुँचेगा? किंतु उसके बंद रास्ते एक के बाद एक खुलते गए। उसकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई। उसे वो बेशकीमती रतन मिल गया, जिसे पाना बड़े भारी सौभाग्य की बात थी। पूरी टोली उत्साह से भरकर अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। राजकुमार के आनंद की सीमा नहीं थी। कहावत है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि सफलता है। यदि सफलता नहीं मिलती तो व्यक्ति अनुभव करता है कि वो पराजित हो गया। राजकुमार ने पद्मिनी को लाने की प्रतिज्ञा की थी। उसका सिंघल पहुंच जाना और एक अभेद्य दुर्ग को भेद कर पद्मिनी को ले आना आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। सबसे छोटा होने के कारण वो राजा का सबसे लाडला बेटा था। उसके चले जाने और इतने दिन कोई खोज खबर न मिलने पर उनकी क्या हालत हुई होगी? कहीं कुछ अनहोनी न हो गई हो। राजगढ़ अभी दूर है। उसके पिता सकुशल हैं। जिस भाभी के कारण उसे इतने दिन का देश निकाला मिला था, वो भी सानंद होगी। उसके मन में उनके प्रति आक्रोश शांत हो गया था। कृतज्ञता का भाव उमड़ आया था। आखिर उन्हीं के उपालंब से उसे पद्मिनी जैसी गुणवती और रूपमती नारी रतन का उपहार मिला। राजकुमार को विचार मग्न देखकर पद्मिनी ने मुस्कुराकर पूछा कि क्यों? क्या सोच रहे हो? अब तो तुम्हारा मन चाहा हो गया, सपना साकार हो गया, कोई हैरानी है क्या? राजकुमार अपने में लौट आया, बोला कि पद्मिनी, अब मुझे कोई हैरानी नहीं है। आदमी के सामने विषाद हो या हर्ष, वो विचारों में डूब जाता है। मेरा मन भी पिता के लंबे बिछोह की कल्पना से कुछ दुखी हो उठा था, पर अब तो मेरे अंदर आनंद का सागर लहरा रहा है। तुम मिल गई, मैं धन्य हो गया पद्मिनी। राजकुमार के अंदर से निकले उद्गारों को सुनकर विभोर हो उठी। बोली कि माता पिता की याद तो मुझे भी सता रही है, किंतु जो सौभाग्य मुझे मिला है उसे न सरहूं तो मुझसे बड़ा कृतघ्न कौन होगा? कहते कहते पद्मिनी की आंखें चमक उठी, चेहरा आभा मंडित हो गया। उसके भावों को ताड़कर राजकुमार अभिभूत हो गया। बोला कि पद्मिनी, तुमसे कहीं अधिक भाग्य की सराहना मुझे करनी चाहिए। तुम्हें कोई भी राजकुमार मिल सकता था, पर पद्मिनी तो हर किसी के भाग्य में नहीं बंधी थी। राजकुमार और पद्मिनी दोनों ही अब सब प्रकार के भार से मुक्त हो गए थे। उनके सामने अब भावी जीवन के मधुर सपने थे। चलते चलते उन्हें एक विशाल सरोवर मिला। जाते समय राजकुमार इतना चिंतित था कि उसका ध्यान उस ओर नहीं था, पर अब उसके मन की दशा भिन्न थी। सरोवर में पक्षी क्रीड़ा कर रहे थे और नाना वर्ण के कमल खिले थे। पास ही एक सुंदर बाग था। राजकुमार ने कहा कि हम लोग थोड़ी देर जहाँ ठहर जाएं, सरोवर में स्नान कर लें और थोड़ा खा पी लें। तरोताजा होकर राजगढ़ पहुँचेंगे तो हमारा आनंद और बढ़ जाएगा। राजकुमार के इस प्रस्ताव को पद्मिनी ने ही नहीं सबने स्वीकार किया और वे वहाँ रुक गए। सरोवर में जब स्नान किया तो पक्षी भी उनके भाग्य पर ईर्ष्या कर उठे। कमल के फूलों की चमक और बढ़ गई और सरोवर तो जैसे धन्य हो गया। ऐसा सौभाग्य तो उसे पहले कभी नहीं मिला था। स्नान करके उन सबने मिलकर खाना खाया। उनके आमोद प्रमोद में वहाँ के पशु पक्षी भी शामिल हो गए। पद्मिनी ने अपने हाथ से उन्हें खिलाया। सूर्य सिर पर आ गया था। थोड़ी देर आराम करके वे आगे बढ़ चले। राजकुमार ने कहा कि दिन छिपने से पहले हमें राजगढ़ पहुंच जाना चाहिए। रास्ते के खेत खलिहान कभी कभी उनका ध्यान खींच लेते थे। कभी कभी उड़ते हुए पक्षी उनके पास से गुजर जाते थे। एक जगह झाड़ियों से घिरे मैदान में हिरण और उनके शावक उछल कूद करते दिखे। पद्मिनी को वे बड़े अच्छे लगे। उसने राजकुमार से कहा कि एक हिरण को हम साथ क्यों ना ले चलें? देखो कितने आकर्षक हैं। राजकुमार ने हंसकर कहा
कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझे अपनी सीता खोनी नहीं है। पद्मिनी हंस पड़ी। सीता हरण की कहानी कभी पहले सुन चुकी थी। बोली कि नहीं, वो तो मैं नहीं चाहूंगी। कितनी साधना के बाद तो हम लोग मिल पाए हैं। थोड़ी देर में राजगढ़ की सीमा आ गई। सब रोमांचित हो उठे। वहाँ पर स्वयं राजा उपस्थित थे, सारी प्रजा उपस्थित थी। उन्होंने सारी टोली का स्वागत किया। पिता पुत्र का जब मिलन हुआ तो मारे खुशी के उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। राजा को अपना खोया बेटा मिल गया था और बेटे को उस पर प्यार बरसाते पिता। गाजे बाजे के साथ सबने नगर में प्रवेश किया। सजी धजी नगरी बाहें फैलाकर उनका अभिवादन कर रही थी। मकानों की छतों और छज्जों पर खड़ी स्त्रियां और बच्चे उन पर फूलों की वर्षा कर रहे थे। महल में रानियां उनकी आरती उतारने के लिए आतुर हो रही थी। आरती के मंद मंद प्रकाश और आगरा की महक से महल की शोभा में चार चांद लग गए। थोड़ी देर में राज दरबार खचाखच भर गया। प्रजा भी अपने राजसी मेहमानों का स्वागत करना चाहती थी। राजकुमार जब चारों राजकुमारियों के साथ वहां आया तो प्रजा ने अपने प्यार दुलार से उन्हें सराबोर कर दिया। छोटे राजकुमार के बिना जो राज दरबार सूना पड़ा था फिर जगमगा उठा। राज दरबार में राजकुमार तथा राजकुमारियों का भव्य स्वागत हुआ। राजकुमार के जगमग करते महल को देखकर सारी राजकुमारियों को अपने अपने महल क्षणभर के लिए याद आए, जिन्हें वे पीछे छोड़ आई थी। तभी उन्हें ध्यान आया कि अब उन महलों से उनका सरोकार क्या है। वे अब राजकुमार से रिश्ता जुड़ जाने पर पराए हो गए हैं। छोटी भाभी को राजकुमार के सामने आने में थोड़ा संकोच हो रहा था। मिलने जुलने से अवकाश मिलने पर राजकुमार स्वयं भाभी के कक्ष में गया और उनके पैर छूकर आशीर्वाद मांगा। दोनों की आंखें बहने लगी। भाभी कुछ कहें, उससे पहले राजकुमार ने कहा कि भाभी, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूल सकूंगा। यदि तुमने मुझे उलाहना न दिया होता तो ये हीरे सी राजकुमारियां कैसे मिलती। भाभी के मुंह से बस यही निकला कि तुमने पद्मिनी को लाकर महल को जगमगा दिया है। शुभ मुहूर्त देखकर राजकुमार के विवाह की तैयारियां की गई। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। राजकुमार को एक से बढ़कर एक राजकुमारियां मिल गई। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका धन्यवाद।